कहानी झूठी बिल्ली। दूर एक जंगल में पिंकी नामक बिल्ली रहती थी। उसके दो मित्र थे, गोलू बंदर और सीपू खरगोश। एक दिन पिंकी को खीर खाने की इच्छा हुई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई और नहाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे। पिंकी जल्दी से नहाकर तैयार हो गई। उसने गोलू और सीपू से कहा, मैं चलकर साफ सफाई करती हूँ, तब तक तुम दोनों आ जाओ। यह कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद गोलू और सीपू नहाकर लौटे। पिंकी ने सबके सामने जब ढके हुए बर्तन को खोला तो उसमें कुछ नहीं था, सारी खीर खत्म हो गई थी। गोलू और सीपू बहुत गुस्सा हुए। जब वे पिंकी को डांटने लगे तब पिंकी ने कहा, मैंने खीर नहीं खाई है। गोलू बहुत समझदार था, वह जानता था कि पिंकी झूठ बोल रही है। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ किसने खीर खाई। गोलू खीर वाला गड़ा उठाकर नदी की तरफ चल पड़ा। पिंकी और सीपू उसके साथ चल दिए। नदी में उल्टा गड़ा डालते हुए गोलू बोला, हम तीनों बारी बारी से इस गड़े पर खड़े होंगे, जो झूठा होगा वह इस गड़े में डूब जाएगा। गोलू और सीपू ने बारी बारी से परीक्षा दी और वे सफल हो गए। जब पिंकी की बारी आई तो वह बहुत घबरा गई। उसने मान लिया कि खीर उसने ही खाई है। सीपू और गोलू ने उसी दिन झूठी पिंकी से दोस्ती तोड़ ली। कहानी से सीख, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दोस्तों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए।